तो देखिए ये मूली बिल्कुल रेडी है, अब रेडी है तो इसके, और देखिए पत्ते कितने अच्छे हैं, इसकी तो भुजी बहुत अच्छी बनेगी। खींचना पड़ेगा। मेरे हाथ से भी ले लिया, मेरे से भी कोई सा ले लिया। अरे देना, एक उसको दे दो, एक तो उसके मुंह से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट, देवभूमि में आपका स्वागत है। देखिए दोनों बच्चों की डिमांड पे हम लोग एक बार फिर आपको ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां हम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन जगह इतनी सुंदर है और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम सारी चीज़ें कवर भी नहीं कर पाए थे वीडियो छोटा करने की वजह से। मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये नंदा की चौकी देहरादून में जो जगह है, नंदा की चौकी, वहाँ से हम अभी अंदर जा रहे हैं और फिर हम पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। चले, विदित की फेवरेट जगह है ये। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शहर से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन आप जब आएंगे यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप जंगल के बीचों बीच हैं। तो देखिए नेचर के बीचों बीच आपको शहर के इतने पास एक रिजॉर्ट मिल रहा है, तो आपको ऐसा ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहिए। एंड हियर वी आर विश्रांति। बहुत सारी चीजें मुझे चेंज लग रही है यहाँ पर, मंकी वही पुराने हैं। नहीं वो नया है, वो नया है। नया नहीं है, वो नहा धो के आया है। तो देखिए हम आ गए हैं अपने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर और बहुत ही सुंदर, क्योंकि जो रिसेप्शन एरिया है यहीं से, मतलब वैसे तो खूबसूरती वहाँ से ही शुरू हो गई थी, लेकिन और जो खूबसूरत चीजें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हेलो, हाय, सो क्यूट, थैंक यू, से थैंक यू आंटी, थैंक यू बेबी, लेट्स गो, कम। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल रिसेप्शन है, आपको आप देखते ही पता चल जाएगा आपको, क्योंकि हमने पहले भी आपको दिखाया है जिस तरह से यहाँ पर खूबसूरती से ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं सजाई हुई हैं इन्होंने, ये ट्रिब्यूट है एक्चुअली। और देखिए ये मेरी बहुत ही फेवरेट जगह है यहाँ की, क्योंकि ये पूरा हमें इंडियन आर्मी को एक ट्रिब्यूट लगता है और इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल म्यूजियम, तो इसीलिए ये चीज़ आप यहाँ आएंगे तभी फील कर पाएंगे, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो इस बार जो हमें रूम मिला है वो शांति स्वीट है इनका, वो हमें मिला है, जिसके लिए गाड़ी बिल्कुल पीछे से घूमकर आ जाती है और बिल्कुल रूम के बाहर ही गाड़ी पार्क हो जाती है। और सामने बहुत ही ब्यूटीफुल आपको जंगल दिखाई देता है। आइए हम आपको पहले अपना ही रूम दिखाते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो शांति, तो देखिए जैसा कि नाम इसका शांति है, यहाँ पर इसको पूरा अंदर से भी इसी तरह से इंटीरियर दिया गया, इवन लाइट्स भी वार्म लाइट्स का यहाँ पर यूज किया गया है। मुझे लगा था लाइट्स कम है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि क्योंकि इसका नाम शांति है, यहाँ पर शांति लगे आपको बनी रहे, इसलिए ही ये वार्म लाइट्स का यूज है। और इसी बहुत ही सुंदर तरीके से जिस तरह से इन्होंने डेकोरेट किया है, देखिए अभी तो हमारा डाइनिंग टेबल लगेज रैक बना हुआ है, लेकिन कुछ भी, मैंने इसीलिए सबसे पहले हम अपना रूम शूट कर रहे हैं ताकि बाद में तो ये मेस्ड अप होना ही है। सारी चीजें आपको मिलती हैं हर रूम में, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं लाइक, और यहां पर क्योंकि ये स्वीट है इसमें लिविंग एरिया अलग से है, और अंदर क्योंकि बच्चे हैं हमारे साथ तो एक एक्स्ट्रा बेडिंग इन्होंने पहले से ही यहां पर दी हुई है हमें। एक प्रीमियम लुक आपको मिलता है, चाहे आप छोटी छोटी चीजें जब आप देखते हैं, इंटीरियर देखते हैं, बेडिंग देखते हैं, तो बहुत ही प्रीमियम एक क्लासी लुक आता है। और जिस तरह से इन्होंने ब्लॉक्स का यूज किया है, ये पत्थरों का जो यूज है यहाँ पर वॉल पर, इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि इस चीजों में जैसे इन्होंने ये हेयर ड्रायर और ये हेल्थ फॉसेट, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो इन्होंने फिटिंग्स दी हैं यहाँ पर, किस तरीके से इन्होंने इन वॉल्स पे दी होंगी,
बहुत ही मुश्किल हुई होगी ऑफ कोर्स। वॉशरूम्स इनके सभी बहुत ही ज्यादा एलिगेंट हैं। आई लव इट। वाओ। और देखिए कितनी बड़ी, आई थिंक ये 500 ml होगा बॉटल साइज। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, ये लोशन है, बॉडी लोशन, इसी तरह से शैम्पू कंडीशनर और शार जेल दिया हुआ है, अपने आप में क्लासी। मेरा फेवरेट है ये, मैं जहां भी जाती हूँ जरूर यूज करती हूँ। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले भी जाती हूँ, बट ये इतनी बड़ी बॉटल नहीं। हमारे पास देखिए, हमारे साथ एक पूरी फैमिली है, हमारा फीडबैक, क्योंकि हमारे लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है और इसीलिए हम फैमिली से फीडबैक लेना चाहते हैं। विश्रांति आए हैं ये लोग, आई थिंक सर पहले भी आ चुके हैं और आप ही दूसरी फैमिली को भी साथ में लेकर आए हैं। दिस इज योर फर्स्ट टाइम विजिट। ओके, तो आप वी बोथ आर नेबर्स। देखिए नेबर्स, ऐसे नेबर्स हो तो फिर बात ही क्या है। तो अब आप प्लीज बताइए कि विश्रांति का, आप पहली बार आए हैं, आपको कैसा लग रहा है विश्रांति? हमारा एक्सपीरियंस, इट इज लिटरली यूनिक प्लेस टू विजिट। ओके, एंड हम लोग सुमित के साथ आए हैं एंड ही इंसिस्ट अस कि यार कम टू विश्रांति, इट्स अ रियली नेचुरल प्लेस एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे आके हमें एक्चुअली फील भी हो रहा है कि इट इज रियली नेचुरल एंड द एम्बियंस इज लिटरली यूनिक। इनफैक्ट हम सोच भी नहीं सकते कि जंगल के बीचों बीच और शहर के इतना पास। एग्जैक्टली। Holdy's Pub, this is the best place, यहाँ का, इस पूरे रिजॉर्ट का ये बेस्ट प्लेस है। सर के पास चलते हैं मिलने। तो इस प्लेस की जो जान है मिस्टर माइकल, सो मिस्टर माइकल प्लीज टेल समथिंग अबाउट दिस ब्यूटिफुल प्लेस। Where do you want me to start? anywhere, it's your wish. Well, I started buying the land in 1988. Okay. And there was nothing here. There was not a single brick. There was not a single tree. Hmm. So slowly everything came up. And the first house I built was in 89. I stayed in a tent for 6 months. And then I learned how to use a lota also. The jungle was very useful. और बाहर नहाते थे, it was cold, it was hot, it so many things, but that's how it all began. Yeah. And slowly then one more room ऐसे करके, and now it's what you see it is. It's beautiful, really. And this is how it's, there's been no planning, there's no architect. But planning na bhi ho, lekin koi cheez agar pyar se banayi jaye na, to wo achhi hi banti hai. You're right. But here, architect only because of the foundations, you know, because of the earthquake zone. Na? Ah, right. So I had professional help on the construction of the foundation. Yeah. But no interior designer. So... But still, you made it beautifully. Yeah. Mistakes comes back to me only. I can't blame anyone. No. It's all my own doing. No mistakes. Everything is beautiful. No, actually, if you get a professional interior designer, they'll find 1,000 mistakes. Right? Mm. But here, I can only blame myself. That's good, actually. It's grown with the family. Family inputs have been there. My son, my daughter, granddaughter. And whatever interests I have in life are all taken care of. We got birds, we got gardening, we've got organic vegetables, we got dogs. Hmm. What more do you want in life? Yeah, you know?
मॉर्निंग. देखिए तैयारी चल रही है सुबह की. विदित नहाने के लिए घुसा हुआ है टब में. टिया मैडम वेट कर रही है ये निकलेगा तो मैं नहाऊंगी. और मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी हूँ. ब्रेकफास्ट की शुरुआत पूरी भाजी के साथ. हेल्दी फूड तो हम कम ही खाते हैं इसलिए सबसे पहले पूरी भाजी ऑर्डर हुआ है. बाकी चीज़ें धीरे धीरे ऐड ऑन होती रहेंगी. डिलीशियस ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है तो अब इसलिए हम फिशेस को भी फीड कराने जा रहे हैं. वो भी भूखे हैं और बर्ड्स भी. आइए उनको फीड कराते हैं. मिस्टर सुकांतो की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है क्योंकि बहुत सालों से इनको फीड करा रहे हैं. देखिए किस तरह से फीड करा रहे हैं. वाओ. और हम लोग केज के अंदर आ गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें चोंच ना मार दे. डर रहे हैं. नहीं वो हमसे डर रहे हैं एक्चुअली. कितना ले रही है. उसको क्यों दे रहा हूं. लो अपने हाथ से पकड़ लो. अपने आप आ जाएंगे. नहीं आप आ जाएंगे. पूरा वापस आपके क्या. बैठ जाएंगे. बैठ जाएंगे बस लेके रहा. ये पूरी बर्ड सैंक्चुरी है यहाँ पर. और यहीं से हमने पहले भी बताया था कि यहाँ जो जू है देहरादून में यहाँ से काफ़ी बर्ड्स वहाँ पर जाते हैं. वो लेकर जाते हैं यहाँ से. ये गूज की चोंच दिखाऊंगा. ये कुछ नए एडिशंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे. ये सिटआउट्स नए बनाए हैं तो इतने सारे सिटआउट्स हैं इनके पास. जितने रूम्स हैं आई थिंक उससे ज़्यादा सिटआउट्स हैं. झगड़ा हो जाए तो अलग अलग बैठ जाओ. ये ठीक है. झगड़ा हो जाए तो अलग अलग. कितनी सारी हैं टिया. वाओ इतनी सारी आ गई. देखो ये सबसे पहले शुरू करेगा खाना. अच्छा विदित ये लो फीड कराओ. और ये है देखिए स्विमिंग पूल एरिया. जब हम लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा था बट अभी पूरा सब अच्छे से बना दिया इन्होंने. टाइल्स वाइज लग गई हैं. ये बच्चों के लिए है और ये बड़ों के लिए है. बट हम तो इसी में रहेंगे. यहाँ पर ये जो पीछे रूम्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. ये रूम्स पूल व्यू रूम कह सकते हैं आप इसको. वैसे तो क्योंकि आपको जो इनकी विंडोज हैं वहां से पूरा फॉरेस्ट व्यू मिलता है. तो यहाँ पर अभी ये एड ऑन कर दिया है इन्होंने. बार काउंटर यहाँ बना दिया है तो आप स्विमिंग का मजा लीजिए, बार का मजा लीजिए और रूम में अपने रह सकते हैं. और जैसा कि देखिए यहाँ पर देखते ही हमें हर चीज में यहाँ पर जो एक चाहे आप कलर कॉम्बिनेशन ले लीजिए. और जिस तरह से पूरा म्यूजियम हमने आपको दिखाया है ये एक ट्रिब्यूट है इंडियन आर्मी को. तो यहाँ पर आपको हर चीज़ में वो चीज़ दिखाई देगी लेकिन जब आप रूम में अंदर जाते हैं तो आपको एक अलग लग्जरी फील होती है. तो ये बहुत डिफरेंट है. यहाँ पर ये चीज़ जब आप यहाँ आएंगे खुद से फील करेंगे. इनफैक्ट इसीलिए हम लोग यहाँ पर दोबारा आए हैं क्योंकि हमारा बहुत मन था यहाँ आने का. लास्ट टाइम जब आए थे तब भी बहुत मज़ा आया था और इस बार भी बहुत मज़ा आया है. कितने सारे बैम्बूज. पाथ भी कितना सुंदर बनाया हुआ है दोनों तरफ. इतने सारे पेड़. और देखिए एक तरफ ये पूरा यहाँ पर हमें स्विंग्स दिख रहे हैं बच्चों के लिए. पूरा प्लेग्राउंड है. चिल्ड्रंस पार्क. और यहाँ पर हमें बैडमिंटन कोर्ट दिख रहा है. फुटबॉल वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेल सकते हैं. यहाँ पर जिमनेजियम एरिया है ये. और यहाँ पर स्पा इनका रेडी हो चुका है वो हम ज़रूर देखेंगे. वाओ देखिए मतलब देख के लगता ही नहीं ऐसा कि ये किसी रिजॉर्ट का जिमनेजियम है क्योंकि यहाँ पर एक से एक आपको मशीन्स दिख रही हैं. पूरा जैसे कमर्शियल एक जिमनेजियम होता है मुझे वही लग रहा है. चलो अब मैं तुम्हें गेमिंग जोन दिखाती हूँ. आ जाओ यहीं से जिमनेजियम के अंदर से ही आप गेमिंग जोन में जा सकते हैं. वाओ तो यहाँ पर देखिए आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं. कुछ भी खेलिए आप यहाँ पर बिल्कुल भी बोर फील नहीं करेंगे. चाहे बच्चे हैं बड़े हैं
सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। मेरा फेवरेट तो कैरम है जिसमें सब चीटिंग करते हैं। वाओ, और देखिए इनका स्पा ये रेडी हो गया है बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दो बेड्स लगाए हुए हैं इन्होंने एक साथ, तो दो लोगों को मसाज मिल सकती है। ट्रीटमेंट्स जो यहाँ पर अभी दिए जाते हैं, क्योंकि फुल बॉडी मसाज, हेड मसाज, ये सारी मसाजेस यहाँ होती हैं, साथ में वॉशरूम है। चार्जेस यहाँ पर 1500 से अभी स्टार्ट हमें बताया है इन्होंने। तो देखिए ट्रीटमेंट्स यहाँ पर आपको भी जो मिलते हैं 1500 से स्टार्ट है, हेड मसाज है जिसमें, और फुल बॉडी मसाज भी अगर आप लेते हैं तो 2500 टू 3000 के अप्रॉक्स आपको कॉस्ट मिलती है। बट ओटी एक्सपर्ट का रेफरेंस देंगे तो 10% डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। और देखिए जितने कितने बड़े बड़े गार्डन्स हैं यहाँ पर, ये वेन्यू है एक्चुअली जब डेस्टिनेशन वेडिंग्स यहाँ पर होती हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर MS धोनी की शादी हुई थी, तो यहीं पर वो पूरा सेटअप हुआ था। बहुत एरिया है, एरिया की कोई कमी नहीं है, तो आप कितने ही भी लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए शांति बहुत है, और इन चीज़ों का आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जिस तरह की लाउड म्यूज़िक वो बिल्कुल भी यहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि जंगल का पूरा एरिया है। और इतने अच्छे से देखिए जिस तरह से जानवर ये लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, वो भी रह रहे हैं साथ में और हम भी रह रहे हैं, तो वो शांति बनाए रखनी चाहिए। ये जो पूरा पाथ पे हम चल रहे हैं, देखिए पाइन ट्रीज लगे हुए हैं यहाँ पर, पाइन से घिरा हुआ है ये पूरा। एक तरफ, इस तरफ मैं देख रही हूँ सारे आम के पेड़ हैं, तो यहाँ पर पूरा बाग है और 6 तरह के आम लगते हैं यहाँ पर। आपको गर्मियों में या बाहर से तो कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से आम मिलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं वेजिटेबल्स तोड़ने, क्योंकि आज जो लंच बनेगा वो हम खुद से वेजिटेबल्स अपनी पसंद की तोड़ेंगे, ठीक है बच्चों, और उसके बाद वो हम बनवाएंगे। बहुत बड़ा पॉली फार्म है इनका, वो दिखाते हैं आपको। खुल जा सिम सिम, देखो दरवाजा खुल गया है और अंदर हमें ये खजाना, इसको मैं खजाना ही बोलूंगी। देखिए कितना अच्छा, वाओ, मूली, ये मूली है ना, वाओ, दिख भी रही है, देखो ऊपर आ गई है, मूली है, पालक है, ये ग्रीन लेटस, ये हाँ, वाओ, सैलेड तो यहाँ से बहुत अच्छा बनेगा। मोस्टली चीज़ें, मोस्टली वेजिटेबल्स यहीं से तोड़कर किचन में जाती हैं, और इसीलिए फूड प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट इसीलिए अल्टीमेट होता है। मुझे ये ना धनिया लग रहा था ये, लेकिन अभी सुकांतु जी ने बताया कि ये कैरेट है, लेकिन अभी छोटी है, तो इसलिए जब बड़ी गाजर हो जाती है तो ये बड़े पेड़ हो जाते हैं। छोटे छोटे थे ना, मुझे पत्ते देख के लगा कि धनिया है, देखो हमें पता ही नहीं है कुछ। टिया की गलती नहीं है, अब समझ में आ गया मुझे। अच्छा, गलंगल, गलंगल, थाई जिंजर, क्या जिंजर, थाई जिंजर। आज के सैलेड में हम यही खाने वाले हैं। इवन इसके ना ये जो ताजा पत्ते हैं, ये तो सैलेड में ऐसे ही गाजर के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। इवन इतने एक ही बार में 3 निकाल दी। गुड। और देखिए मेन रिसेप्शन से थोड़ा सा हम आगे की तरफ आए हैं, और ये गार्डन को क्रॉस करते हुए साथ में सामने हवा महल है, जहाँ पर फेरों का सेटअप मोस्टली किया जाता है। एक मिनी गोल्फ कोर्स भी दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर ये एक फाउंटेन भी दिख रहा है, साथ में मंकीज भी बैठे हुए हैं, और ये आम का पेड़। तो देखिए इतने सुंदर, ये एरिया को हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, एक कॉटेज बना हुआ है अलग से जिसका नाम है निर्वाणा कॉटेज। ये कॉटेज हमने पिछली बार नहीं देख पाए थे हम, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं था, आज अवेलेबल है, तो आज आपको ये ज़रूर दिखाते हैं। कितने सुंदर, देखिए यहाँ पर मतलब एम्बियंस देखिए, कॉट इस तरह का कॉटेज हो, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि इस तरह का एक अपना घर हो तो हम, और इतने सारे सामने पेड़ पौधे हो तो मैं हमेशा यहाँ रहना चाहूँगी। तो देखिए इस तरह से सुंदर सा प्यारा सा घर बना हुआ है, ये एक अलग से कॉटेज है जहाँ दोनों तरफ आप देखिए दोनों तरफ रूम्स हैं, उसके सामने भी इन्होंने ये सिटिंग एरिया दिया हुआ है, और मेन एंट्रेंस ये है। देखिए कितना खूबसूरती से इसको सजाया हुआ है। तो यहाँ पर लिविंग के साथ ही किचनेट एरिया आपको मिल जाता है, लॉन्ग स्टे के लिए बहुत अच्छा है ये, और दोनों तरफ हमें रूम्स मिल रहे हैं, तो एक बड़ी फैमिली रह सकती है यहाँ पर। तो ये रूम है, ये डोर है बाहर जाने के लिए, दोनों के साथ ही अटैच वॉशरूम आपको मिल जाएगा। ब्यूटिफुल, क्या हाँ,
और देखिए ये सेकंड रूम है, रूम दोनों एक जैसे हैं, दोनों का साइज भी एक जैसा ही है, और जिस तरह से विंडो बिल्कुल सामने लगाया हुआ है, दूसरे रूम में तो जैसे अभी पूरा सन अंदर, सनलाइट अंदर आ रही थी और एक हीट फील हो रही थी, तो सर्दियों में बहुत अच्छा है ये, और फ्रेश एयर के लिए तो गर्मियों में बहुत अच्छा है ही। साथ में देखिए वॉशरूम, जनरली इतने बड़े रूम्स होते हैं जितने बड़े वॉशरूम्स हैं यहाँ पर सभी रूम्स के। कॉटेज बहुत अच्छा है, दोनों वॉशरूम्स में जिस तरह से बहुत बड़े हैं, बस बाथटब मिसिंग है जो कि हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन मुझे ये अदरवाइज बहुत अच्छा लग रहा है, ये बच्चों को स्विमिंग पूल में नहला देंगे। और देखिए रूम से बाहर आते ही आपको गार्डन मिल जाता है पूरा। तो देखिए अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि इसका जो टैरिफ हमें बताया है 13,000 प्लस टैक्सेस बताया है, तो अगर दो फैमिलीज आती हैं तो 6,500 ईच फैमिली, आई मीन इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप एक सेपरेट एरिया लेना चाहते हैं जहां पर आप दो फैमिलीज रह सकती हैं और बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तुम्हें अपनी चीज मिली जाती है, बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज भी हो जाए और इनको, क्योंकि बहुत दूर पैदल नहीं जाना होता ना, तो साइकिल अच्छा है इनके लिए पूरी प्रॉपर्टी राउंड करने के लिए। कल रात को जब हम यहाँ पर सर के साथ बैठे थे तो इवन गेस्ट कहते हुए ये निकल रहे थे कि इस तरह का पब जंगल के एरिया में और सिटी के इतना पास, मतलब वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब वो यहाँ आए उन्होंने देखा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं जो स्पेशली जो स्टे भी नहीं भी करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर पब और फूड एंजॉय करने के लिए आते हैं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, काफी बड़ा एरिया है, इनफैक्ट सिर्फ पब के लिए ही इन्होंने इतना एरिया एक्वायर किया हुआ है। हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ इन्होंने ये देखिए नया एरिया बनाया है बुक्स के लिए, सो इट्स अ लाइब्रेरी एरिया। तो देखिए विश्रांति में आकर आप विश्राम कीजिए, बुक्स का मज़ा लीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। टैरिफ यहाँ पर स्टार्टिंग रेंज 6,500 से अप टू 15,000 प्लस टैक्सेस हैं जो आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, और बेस्ट डील्स के लिए आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे इनकी भी, तो आप डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। और यहाँ आए तो माइकल सर से ज़रूर मिले, जैसा कि हम पहले भी बोल रहे थे, क्योंकि उनसे मिले बिना हमें हमारा ट्रिप तो अधूरा लगता है। बाकी यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, एम्बियंस तो है ही और नेचर के बीचों बीच है, तो शांति को बनाए रखें और इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें। जो चैनल पहली बार देखते हैं वो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें हमारे न्यू वीडियोज़ के। OTA एक्सपर्ट हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ आप हमें मैसेज करके अपने अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, आपको हम वहाँ पर जवाब दे देंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।